बीते कल सोमवार को ऊना जिला के महतपुर रायपुर सहोड़ा में आईओसी प्लांट में ट्रक के प्रदर्शन को लेकर जब कवरेज के लिए पत्रकार पहुंचे तो उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें प्रेस क्लब ऊना के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा को गंभीर चोटें आई जबकि अन्य पत्रकार घायल भी हुए। कई मीडिया कर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी, जिसको लेकर मंडी प्रेस क्लब द्वारा जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस पर मंडी प्रेस क्लब के पूर्व प्रधान बीरबल शर्मा का कहा कि सभी मीडिया कर्मी व संगठन इस हमले की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन तथा सरकार से यह मांग करते हैं कि जिन लोगों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने का यह दुस्साहस किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करने के आदेश पुलिस को दिए जाए ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस तरह से निशाना बनाने वालों को सबक मिले। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे मामलों में मीडिया कर्मियों को पूरी सुरक्षा मिले। उन्होंने कहा कि यदि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर के मीडिया कर्मी इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। पिछले कल सोमवार 1 मई को ऊना जिले के रायपुर सहोड़ा में जो इंडियन ऑयल का प्लांट है गैस का, वहाँ पर ट्रक ऑपरेटर यूनियन और जो प्लांट के जो प्रबंधक थे उनके बीच में कोई विवाद था और उसकी कवरेज करने के लिए जब ऊना जिला के पत्रकार वहां पहुंचे तो वहां पर उन ट्रांसपोर्टर ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और यहां तक कि कुछ पत्रकारों को जो है वहां से भाग के जान बचाना पड़ी और कुछ पत्रकार घायल हुए। जो प्रेस क्लब ऊना के प्रधान हैं सुरेंद्र शर्मा, उनको तो इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उनको अस्पताल जाना पड़ा, उनका सीटी स्कैन हुआ और अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई। ये पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जो है हमले की हुई है, इसे किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। हम प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से मांग करते हैं और साथ में उनको चेतावनी भी देते हैं कि अगर इस तरह के हमले जिसमें उसको जान से मारने की कोशिश की गई, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का केस बनता है, अगर उन लोगों के खिलाफ जो है सीधी और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पत्रकार कभी कांगड़ा में इकट्ठे हुए थे प्रकाश बादल के प्रकरण में, पूरे प्रदेश के हम सब संगठन जितने भी हैं एक मंच के नीचे आकर ऊना में आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार की और प्रशासन की और पुलिस की नाक में दम कर देंगे अगर इस मामले को लेकर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई। हमारी फिर मांग है, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे पत्रकार साथी रहे हैं, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री है, हमें उनसे भी बड़ी उम्मीद है, उनको भी हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि डिप्टी सीएम की वो उस क्षेत्र में जाके देखें इस बात को कि पत्रकारों पर हमला होना जो है एक बड़ी गंभीर समस्या है। आज हमने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज दिया है और उनसे आग्रह किया है कि इस मामले को गंभीरता से लें और उन लोगों को दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।